हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोवा हेयर स्प्रे के बारे में। एंड गाइस, मैंने चैनल पे बहुत सारे हेयर स्प्रे का रिव्यू किया है एंड उसकी पूरी फुल प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। आप लोगों को प्लेलिस्ट शो हो रही होगी एंड आई बटन पे उसके लिंक भी आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मैंने शेयर किया है, तो आप जाके वहाँ पे मेरी वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग हेयर स्प्रे के लवर हैं, अगर आप लोग हेयर स्प्रे अप्लाई करना पसंद करते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने मोस्टली हेयर स्प्रे के रिव्यू किए हैं और ये ऑनेस्ट रिव्यू है, साथ में उसके डेमो भी करके आप लोगों को दिखाए हैं, तो आप लोगों की हेल्प कर पाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नोवा हेयर स्प्रे के बारे में। ये अल्ट्रा होल हेयर स्प्रे है। यहाँ पे मैंने 250 ml की ये बॉटल परचेज करी है। कुछ पॉइंट्स है, ये लॉन्ग लास्टिंग होल्ड देता है, यूवी फिल्टर है एंड प्रो विटामिन B5 इसमें आप लोगों को एड किया गया है। तो गाइस, पीछे इसके कुछ लैंग्वेज में अलग अलग से इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग अगर चाहें तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेल्फ लाइफ और जो इसके प्राइस है वो मैं डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगी, आप लोग इसके देख लीजिएगा। तो गाइस, हेयर स्प्रे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल की लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि बिना हेयर स्प्रे के बालों को, हेयर्स को स्टाइल करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो जो हमारा हेयर स्टाइल होता है वो बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे ये कितना होल्ड करता है, वैसे तो यहाँ पे मेंशन है कि ये एक्स्ट्रा होल्ड देगा, अल्ट्रा होल्ड देगा, तो देखते हैं कितना होल्ड देगा। जब मैं इसका डेमो दूंगी तो आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि कितना वर्क करता है और हम उसको रेटिंग भी देंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका डेमो एंड बाद में हम जानेंगे इसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैं डेमो के लिए जो मेरा मोस्ट फेवरेट हेयर स्टाइल है वो क्रिएट करूंगी और उनमें दिखाने वाली हूँ कि कितनी देर तक होल्ड करेगा। और तो चलिए, मैं जल्दी से हेयर स्टाइल क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे हेयर स्टाइल मेरा डन हो चुका है, कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल मैंने क्रिएट किया है। और जो ये होता है मेरा पफ, जैसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइम बाद क्या होता है ना, ये डाउन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे हेयर स्प्रे का अप्लाई करती हूँ जब भी मैं ये पफ क्रिएट करती हूँ और ऐसा कुछ हेयर स्टाइल बनाती हूँ, तो मैं ऐसे में हेयर स्प्रे का अप्लाई करती हूँ। तो मैं देखने वाली हूँ कि ये हेयर स्प्रे कितने टाइम तक हेयर्स को होल्ड करेगा और इसकी क्या फॉर्मूला रहता है। तो चलिए, स्प्रे करने से पहले अच्छे से आप लोगों को स्प्रे जो होता है, हेयर स्प्रे को शेक करना है और कम से कम 12 इंच की दूरी से आप लोगों को इसे अप्लाई करना है। ये मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। गाइस देखिए, मैंने ये अप्लाई किया है तो ये जो इसका लिक्विड है ये मेरे बॉटल में इस तरीके से आ गया कि जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे जो हो रहा है वो यहाँ पे और यहाँ के पार्ट्स में आ जा रहा है, जिस वजह से ये इस तरीके से निकल रहा है। तो गाइस चलिए, अब इसको ड्राई होने देते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। सो गाइस, पूरे के पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये जितना भी ड्राई हुआ है, चलिए अब देख लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अभी प्रॉपर तरीके से ये अभी भी ड्राई नहीं हुआ है, तो मैं अपने हेयर्स को ओपन करके आप लोगों को इसका फुल रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ के पार्ट में ये हेयर स्प्रे अप्लाई किया है, तो चलिए अब हम लोग जो हमारी पिन है उन्हें ओपन करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने इतनी अच्छी खासे अमाउंट में ये हेयर स्प्रे अप्लाई किया था, आप लोगों ने खुद से देखा। और गाइस, इसका इफ़ेक्ट ऐसा आ रहा है जैसे कि मैं हेयर वॉश करके आती हूँ ना, उसके बाद जो बाल होते हैं हल्के से गीले गीले, जो हमारे डैम हेयर होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इनने मेरे बालों को बिल्कुल भी बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया है, 0%। गाइस, इससे ये उम्मीद नहीं थी, गाइस बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग 300 rupees इस प्रोडक्ट के लिए वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो आप लोग टेफ्ट का खरीद सकते हैं, एनजीओ का खरीद सकते हैं, उस तरह का खरीद सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक से एक हेयर स्प्रे के रिव्यूज़ किए हैं गाइस, मैं सच में ये कुछ भी इफेक्ट नहीं है, आप देख लीजिए, यू कैन सी, आप बिल्कुल हेयर देख लीजिए, जैसे थे एज इट इज़ वैसे ही है, वरना इतना जो हमारा
प्रोडक्ट होता है उसे अप्लाई करने के बाद कुछ तो हेयर्स पे आपकी लेयरिंग होती ना, हेयर स्प्रे की कुछ तो लेयरिंग होती ना। तो गाइज मैं एक और रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ जिससे आप लोगों को और भी बिलीव हो जाए मेरे वर्ड्स पे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ टाइट वाली पोनीटेल बनाई है और इस पार्ट में मैं पूरे में हेयर स्प्रे का यूज़ करने वाली हूँ और इस बार हम लोग इसकी क्वांटिटी को 3 times और ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो चलिए, क्वांटिटी देखिए, बहुत बड़े वाले अमाउंट में इसे मैंने अप्लाई कर लिया है और अब इसको ड्राई करने में पता ही नहीं मुझे कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि इसका क्विक ड्राइंग का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे ये ड्राई हो गया है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा आया है। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद से देख रहे होंगे। That's it. कुछ भी इफेक्ट नहीं है हेयर स्प्रे का, कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की। तो गाइस आपने जैसे कि देखा और सामने सब कुछ मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया, तो गाइस इसका जो होल्ड है वो मेरे अकॉर्डिंग 0% है, बिल्कुल भी इसने मेरे हेयर को होल्ड नहीं किया है। होल्ड गाइस क्या होता है कि हेयर्स पे एक इवनली लेयरिंग हो जाती है जिससे कि हमारे हेयर्स होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं और एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। सबसे बुरा इसका लगा है वो ये पार्ट लगा है कि जैसे हम लोग यहाँ पे हेयर स्प्रे का जो लिक्विड होता है उसको स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे पूरा हमारा जो लिक्विड होता है वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो गाइज अगर बॉयज अगर ये मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मैक्सिमम ये एक वन से वन एंड हाफ ही आवर तक ये आप लोगों को होल्ड दे पाएगा और जो आप लोग वॉल्यूम के लिए होल्ड देना चाहते हैं ना इसका, तो बिल्कुल भी नहीं, नो वॉल्यूम के लिए ये बिल्कुल भी होल्ड नहीं दे पाएगा। ये मेरा ऑनेस्ट 100% ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। आप लोग अगर फिर भी चाहते हैं तो इसको परचेज करके देख लीजिए, अगर आप लोग मेरे वर्ड्स पे अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो गाइज मैं तो जो भी जैसा भी जिसका रिजल्ट आता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे तो कोई भी बेनिफिट नहीं है ना अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो। गाइज ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रिव्यू देख के, मेरा वीडियो देख के कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो आप लोगों के साथ उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है, जैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं सेम आप लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को परचेज करना चाहिए या नहीं। गाइस मैंने ये सेट वेट का एक हेयर स्प्रे का रिव्यू किया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत आप लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा प्यार मिला है उस वीडियो में मुझे। तो गाइज ऐसे ही मेरी सारी वीडियोज़ को प्यार दीजिए। और गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के आगे चल के हेल्प करेगी। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते थे और आपने मेरा वीडियो देख के अब सोचा है कि अब नहीं खरीदेंगे तो गाइज सच में अगर आप लोग अच्छा हेयर स्प्रे चाह रहे हैं, होल्ड के पर्पज से चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ये मत परचेज कीजिए क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके की हेयर्स को नहीं होल्ड कर पा रहे तो गाइज ये कर्ल्स को तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा। तो आप लोग अच्छे रिव्यू, अच्छा हेयर स्प्रे परचेज कीजिए जिसके लिए आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। गाइस मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।